छोटी सादड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए रविवार को नगर पालिका के दीनदयाल उपाध्याय सभा भवन में हुए चुनाव में कांग्रेस की फातिमा बोहरा विजयी रही, वही भाजपा की रेखा व्यास को हराया। फातिमा बोहरा को 15 मत मिले, वही भाजपा की रेखा व्यास को 10 मत मिले। कांग्रेस की फातिमा बोहरा ने 12:15 बजे अध्यक्ष पद की शपथ ली। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। 10:10 बजे से पालिका के बाहर गांधी चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता परिणामों को लेकर जमे रहे। नगर पालिका के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भाजपा के 11 नवनिर्वाचित पार्षद 10:15 बजे मतदान करने पहुंचे। भाजपा के पार्षदों ने मतदान किया, लेकिन इनमें से किसी एक पार्षद ने क्रॉस मतदान किया, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस की फातिमा बोहरा को मिला। वही कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद 11:30 बजे मतदान करने पहुंचे। मतदान समाप्ति के बाद निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा ने मतगणना शुरू की। मतगणना के बाद दोपहर 12:15 बजे विनोद मल्होत्रा ने परिणाम जारी किया, जिसमें कांग्रेस की फातिमा बोहरा को 15 मत मिले, वही भाजपा की रेखा व्यास को 10 मत मिले। इस तरह कांग्रेस की फातिमा बोहरा 5 मतों से विजयी रही। इस दौरान उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा, तहसीलदार सुंदरलाल कटारा, नगर पालिका अधिकारी अधिशासी अब्दुल वाहिद और उप प्रधान विक्रम अंजना, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, मुस्तफा बोहरा की मौजूदगी में फातिमा बोहरा पद की शपथ दिलाई गई। और सबसे पहले तो मैं छोटी सादड़ी के सभी नगरवासियों का, मेरे पार्षदों का और माननीय कैबिनेट मंत्री उदयलाल जी अंजना का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिसने मुझे इस पद के लिए चुना है।